उस मौके की रागनी कि जब वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र मरघट में पहरा लगा रहे थे, अपने मृतक बेटे की लाश को लेकर के वो अभागिन तारा शमशान भूमि में पहुंच जाती है, चिता बना लेती है, रहतास कुमार की लाश को चिता में रख देती है। ठीक उसी वक्त हरिया के रूप में पहरा दे रहे राजा हरिश्चंद्र अपनी ड्यूटी निभाने की खातिर चिता के पास आ जाता है, तारा को पहचान भी नहीं पाया, चूंकि बगैर पूछे चिता बनाई थी, ठोकर मार देता है चिता को और किस तरह से महारानी तारा से पेश आता है, जिसे अभी ये बेरा भी नहीं लगा है कि इस चिता के अंदर तेरे पुत्र की लाश है और ये अभागिन तेरी अपनी ब्याही तारा है। किस तरह से दोनों में वार्तालाप होती है, आइए इस दो चश्मी रागनी के द्वारा आपके बीच में। ए मुर्दा भूखने वाली औरत कौन हो और किसकी इजाजत से ये चिता बनाई थी, किसकी इजाजत से इस मुर्दे को भूख रही थी, बताइए। पियाजी मैं कोई गैर नहीं, जो मुर्दा भूख रही तुम्हारी अपनी पत्नी, और जो तुम लाश देख रहे हो शमशान भूमि में वो भी कोई गैर नहीं, तुम्हारा अपना ही खून है। ये जो मैं सुन रहा हूँ ये कोई ख्वाब का आलम है या वाकई सच है? क्या मेरे सामने मेरी प्राण प्यारी तारा खड़ी है, और क्या वाकई सचमुच मेरे सामने मेरे जिगर के टुकड़े मेरे हृदय के सम्राट उस रोहतास कुंवर की ही लाश पड़ी है? हे मालिक, हे परमात्मा, आज तक दुनिया में नहीं सुना कि किसी बाप के सामने बेटे की मृत्यु हुई हो इस युग के अंदर, तो फिर ये मेरा ही बेटा मृतक क्यों हो गया? और रानी तारा, अगर ये पुत्र मर भी गया लेकिन लाश जलाने से पहले आपको 125 रुपया और मुर्दे का कफन मुझे देना होगा, उसके बाद इस लाश को फूंकने दूंगा। कैसी बात करते हो पियाजी, तुम भली भांति देख रहे हो तुम्हारे पुत्र की लाश केले के पत्ते लेकर मैंने ढकी, भला मैं अभागे तुम्हारे लिए 125 रुपया कफन कहाँ से दूंगा? अगर तेरे पास 125 रुपया मुर्दे का कफन नहीं है तो फिर चली जा यहाँ से, क्योंकि मेरे स्वामी की आज्ञा है जिसका मैं मोल लिया हुआ दास हूँ, जब तक 125 रुपया मुर्दे का कफन तुझसे अदा नहीं कर लूंगा, चाहे ये मेरा बेटा हो या किसी और का, चाहे ये किसी राजा का बेटा हो या फकीर का, लाश नहीं फूंकने दूंगा। क्या तुम्हारी ड्यूटी के अलावा हमारे प्रति कोई फर्ज नहीं बनता? क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं? क्या जो मर गया तुम्हारा बेटा नहीं? क्या तुम मेरे पति नहीं? महारानी तारा, मैं तो खुद ही विपदा का मारा पता नहीं किस तरह से इस जीवन की डोरी को आगे बढ़ा रहा हूँ, मेरे में इतनी ताकत नहीं कि जो तुझे कुछ जवाब दे सकूं। मैं मानता हूं कि तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन अब वो संबंध नहीं रह गया है। तुम औरत, तुम मुर्दा भूखने की खातिर आई हो, सिर्फ ये मेरा फर्ज बनता है कि 125 रुपया और कफन दे और ये मुर्दा तुझे भूख लड़ने दूंगा। मेरी बात सुन लीजिए जी, या तो राजी राजी टैक्स अदा कर दे, अन्यथा तेरी बेइज्जती करके शमशान भूमि से भी बाहर निकाल दूंगा। ओ झोर क्यों जमावे पिया पियाजी, मैं तुम्हारी अपनी पत्नी हूँ और तुम ऐसा व्यवहार मेरे साथ कैसे कर सकते हो? ओ जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं ओ जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं we
फट गई थी, लेकिन वो सब कुछ मैंने जानबूझ के नहीं किया। अच्छा, अब एक वक्त की बात थी जिस धर्म और मर्यादा को बचाने के लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया था, उसी तुम्हारे धर्म और मर्यादा को बचाने के लिए मैंने ऐसा सब कुछ किया है, मेरे बस की बात नहीं। ए प्यारी तारा, तुम जैसी लजवंती और सतवंती औरत मैं कहां पाऊंगा, लेकिन उस रोज तेरा धर्म घटता था, आज मेरा धर्म घटता है, इसलिए तहाने मत मारो और जो कहना है वो साफ साफ कह दो। रानी सत्संगी हूँ तननियों कहती ना गदा उठाऊं, मिस रानी सत्संगी हूँ। ओ वक्त पड़े तो कुछ भी गले सरी अरे धंगी हूँ। ना राजा ये ना राजा ना हरीश चंद में तेरी नजर में भंगी हूँ, ना राजा ना हरीश चंद में तेरी नजर में भंगी हूँ। ओ समझ गई लाभ अरे, समझ गई लाभ अरे, आने तेरी मैं, आने तेरी मैं। अरे घाट पे समझ